आज शाम को करीब 5 बजे के बाद थाना साहिबाबाद क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक जुल्फिकार उर्फ जुल्लू नाम का एक बदमाश है जो गोली लगने से घायल हुआ है, उसको एडमिट करा दिया गया है। और वो एक्चुअली वर्ष 2009 में एक घटना हुई थी साहिबाबाद क्षेत्र में ही, फर्रूख नगर चौकी में आगजनी और तोड़फोड़ की एक बड़ी घटना हुई थी, जिसका ये मुख्य अभियुक्त था और इसकी तलाश की जा रही थी वर्ष 2009 से ही। अन्य सभी जो आरोपी हैं वो पकड़े जा चुके थे और उनके विरुद्ध लीगल एक्शन भी लिया जा चुका था। इसकी तलाश एक दशक से की जा रही थी। इसकी गंभीरता को देखते हुए इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आज जब चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया गया तो इन लोगों ने तेजी से अपनी बाइक को भगा लिया, तो आगे जाके पुलिस पार्टी को अलर्ट करते हुए घेराबंदी की गई। घेराबंदी के बाद यहाँ बबलू भट्टा एक जगह पड़ती है टीला मोड़ के आगे, वहाँ पे पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें बदमाश घायल हुआ है। और उसके पास से जिस बाइक पे ये लोग सवार थे वो बाइक लोधी रोड दिल्ली से बताई जा रही है कि वहाँ से ये बाइक चोरी की बताई जा रही है। और इनके पास से 315 बोर का तमंचा और कुछ कारतूस वगैरह बरामद हुए हैं। और जो इनिशियल जानकारी मिली है, तो अभी अन्य मुकदमों की जानकारी की जा रही है कि जुल्फिकार के ऊपर अन्य और कौन कौन से मुकदमे थे, लेकिन जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें यह भी पता चला है कि 2018 से ये फ्रॉड और ठगी के केस में जोधपुर राजस्थान से भी जेल भेजा गया था और जो इसको एडमिट करा दिया गया और जो लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है।